हरिओम, सभी को नमस्कार है। ये कक्षा है सुमनोवाणी विलासा उन्नत श्रेणी कक्षा इतिहास पुराणार्थ पाठमाला, और इसमें हमने लिया है रामोपाख्यानम, जिसका दूसरा अध्याय में चार श्लोक हम पूर्ण कर चुके हैं, वे पांचवे से आज पढ़ेंगे। पहले प्रार्थना करते हैं। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। हमने इसमें पहले अध्याय में पढ़ा था कि युधिष्ठिर बड़ा दुखी है, और जयद्रथ की घटना के बाद वो द्रौपदी के लिए दुखी होकर पूछते हैं। मार्कंडेय जी के साथ सब बैठे रहते हैं, तब पूछते हैं कि ऐसा कोई है क्या जो मेरे जितना जिसने कष्ट सहे हो। ठीक है, तो मार्कंडेय जी वही पूरा वो प्रश्न करने में ही पहला अध्याय खत्म हो गया। दूसरा अध्याय में हमने चार श्लोक पढ़े हैं, जिसमें मार्कंडेय जी बोलते हैं हाँ तुमसे भी अधिक दुखी एक व्यक्ति है जिसकी पत्नी को एक राक्षस हर के ले गया, जिसका नाम रावण है, और उसने जटायु वध करके उसके पत्नी का हरण किया था। तो फिर सुग्रीव की सहायता लेकर और समुद्र पर सेतु बांध कर लंका को ध्वंस करके राम जी ने सीता जी को वापस लेकर आए, ऐसा करके बताए। तो फिर युधिष्ठिर पूछे अच्छा ऐसा कौन है राम, कौन से कुल में उनका जन्म हुआ और वो किस प्रकार के पराक्रम है वो, और किस कुल में वो उनका जन्म हुआ है, और इन दोनों में वैर क्या है, किस कारण से इन दोनों में वैर हुआ है यानी शत्रुता हुई है। ठीक है, ऐसा करके उन्होंने पूछा। पूछने पर ये क्या बताने वाले हैं अभी हम लोग देखते हैं। एतन्मे भगवन् सर्वं सम्यगाख्यातुमर्हसि श्रोतुमिच्छामि चरितं रामस्याक्लिष्टकर्मणः। एक और बार। एतन्मे भगवन् सर्वं सम्यगाख्यातुमर्हसि श्रोतुमिच्छामि चरितं रामस्याक्लिष्टकर्मणः। इसमें अभी अनुच्चारण के लिए कामिनी भगिनी को बुलाती हूँ। जी हाँ मैडम। एतन मेरे बोलने के बाद आप दो बार। हाँ जी जी बोलिए। एतन्मे भगवन् सर्वम्। एतन्मे भगवन् सर्वम्। एतन्मे भगवन् सर्वम्। सम्यगाख्यातुमर्हसि। सम्यगाख्यातुमर्हसि। श्रोतुमिच्छामि चरितम्। श्रोतुमिच्छामि चरितम्। श्रोतुमिच्छामि चरितम्। रामस्याक्लिष्टकर्मणः। 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 धन्यवाद। हाँ कामिनी भगिनी आप बताइए, इसमें कोई शब्द ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया हो, पद विभाग देखकर बताइए। नहीं भगिनी, अक्लिष्ट शायद, अक्लिष्ट का मतलब जो क्लिष्ट नहीं है, ऐसा है क्या? हाँ, अक्लिष्ट
अक्लिष्ट कर्मणा, हाँ नहीं सभी समझ में आ रहा है भगिनी, है ना, बिल्कुल सरल है भाषा, है ना जी। महाभारत कौन कहता है कि हम संस्कृत नहीं जानते, नहीं पढ़ सकते, है ना। इसमें हर श्लोक पढ़कर यही लगता है, मुझे भी यही लगा पहली बार रामायण खोला, महाभारत खोला, तो यही लगा मुझे, थोड़ा संस्कृत पढ़ने के बाद ही खोला था, थोड़े से संस्कृत ज्ञान से भी पूरा समझ में आ रहा था मुझे, हाँ। पर संधि भी अधिक नहीं रहता, जैसे आख्या तुम अर्हसि में कौन सी संधि है, कोई संधि है ही नहीं, ठीक है। सम्यग आख्या तुम, सम्यग आख्या तुम अर्हसि, क्या समझ में नहीं आ रहा इसमें, हाँ। लोग बोलते हैं पुराने वालों ने, वो बस कादंबरी और उनको देखकर लोग सोचते हैं कि संस्कृत बहुत टफ है, लेकिन पुराणों की भाषा बड़ी ही सरल है, आराम से बिना व्याख्यान के भी हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। अस्तु, हाँ, तो अभी इसका पद विभाग देख लेते हैं। एतत, एतन में है ना, एतत में, ठीक है, एतत में भगवन सर्वम, फिर सम्यग आख्यातुम अर्हसि, इसमें कोई संधि नहीं, बस मिला के लिख दिया। श्रोतुम इच्छामि, श्रोतुम इच्छामि, चरितम रामस्याक्लिष्ट, रामस्य अक्लिष्ट कर्मणः, अक्लिष्ट कर्मणः, ठीक है। इसका अभी अन्वय देखते हैं। हे भगवन, ये पूछ रहे हैं युधिष्ठिर जी, पहले पूछे कि ऐसा क्या वैर था दोनों के बीच में, पूछे ना, उसके बाद बोल रहे हैं हे भगवन, एतत् सर्वम, कि राम ने किस कुल में जन्म लिया, रावण ने किस कुल में जन्म लिया, राम जी का पराक्रम कैसा था, उन दोनों में कैसा, कैसी शत्रुता थी, उसका कारण क्या था, ठीक है, तो ये सब मुझे बताइए। तो एतत् सर्वम में सम्यक आख्यातुम अर्हसि, बहुत ही अच्छे से, पूरी विपुलता से, क्लियरली, ठीक है, आख्यातुम अर्हसि, बोल सकते हैं आप, प्लीज बताइए मुझे, आख्यातुम बोलने के लिए, ठीक है, बोलने को, ठीक है, ऐसा वो संस्कृत इडियम है, हिंदी में हम उसका पूरा अनुवाद यथातथ नहीं कर सकते, ठीक है, तो आख्यातुम अर्हसि, आप बताइए, ठीक है, बस इतना। फिर अक्लिष्ट कर्मणः रामस्य, जो क्लिष्ट कर्मा नहीं है, ठीक है, जो कठिनाई से कर्म करने वाला नहीं है, वह यानी वो बहुत ही सरलता से सारे काम करता था, करते थे, ठीक है, जितना उनका उनकी शक्ति थी वो इतनी थी कि वो कोई भी महान कार्य हो, जैसे रावण वध है, कितना महान कार्य है, उसको भी वो फट से कर लेते थे, ठीक है। रामस्य चरितम श्रोतुम इच्छामि, इस प्रकार के जो राम है, जो अक्लिष्ट कर्मा है, तो अक्लिष्ट कर्मा शब्द के बारे में अभी थोड़ी देर में विश्लेषण करते हैं। रामस्य चरितम श्रोतुम इच्छामि, राम का, रामस्य चरितम, उनका जो कथा है, उनकी जो, उनका जो पूरी कहानी है, श्रोतुम इच्छामि, मैं सुनने को चाहता हूँ, मैं सुनना चाहता हूँ। अभी इस इनका पूरा एक एक शब्द का विश्लेषण देखते हैं। भगवन, भगवत शब्द है और ये इसका संबोधन है, भगवन यानी वो ऋषि को बोल रहे हैं, हे भगवन, हे ऋषि, ठीक है। एतत् सर्वम, एतत् सर्वम ये आख्यातुम अर्हसि के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए एतत् सर्वम द्वितीय विभक्ति है, ठीक है। प्रथम और द्वितीय इसका एक ही रूप होता है ना नपुंसकलिंग में, तो ये द्वितीय विभक्ति है। एतत् सर्वम में सम्यक आख्यातुम अर्हसि, बहुत अच्छे से आप बताइए प्लीज, है ना, वो बोल रहे हैं, तो सम्यक शब्द है, ठीक है। सम पूर्वक, सम उपसर्ग पूर्वक अंच धातु है, अंच से बना है ये। सम्यक शब्द दो टाइप का है, एक शब्द होता है अव्यय, ठीक है, और बहुत अच्छे से इसका अर्थ होता है, और दूसरा होता है त्रिलिंगों में समान होता है, वो जैसे विशेषण होता है, त्रिलिंग तीनों लिंगों में होता है वो, तो उस प्रकार का एक सम्यक शब्द है, और यहाँ पर हम अव्यय ही ले सकते हैं। तो आख्यातुम अर्हसि, आप बता सकते हैं। अक्लिष्ट कर्मणः रामस्य, अक्लिष्ट, क्लिष्ट यानी कष्ट पूर्वक, अक्लिष्ट यानी कष्ट के बिना, अक्लिष्टम कर्म करोति इति अक्लिष्ट कर्मा, ठीक है, अक्लिष्टम कर्म करोति, जो बिना किसी कठिनाई के काम करता है वह अक्लिष्ट कर्मा, ठीक है, तो नकारांत है, अक्लिष्ट कर्मण्य, ठीक है, तो उसका अक्लिष्ट कर्मणः, उसी का षष्ठी विभक्ति एक वचन है, ठीक है। रामस्य चरितम श्रोतुम इच्छामि, राम का कहानी, रामस्य, राम शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन, चरितम, चर धातु उसका क्त प्रत्यय, उसमें इडागम हुआ है, चरितम ई,
श्रोतुम इच्छामि, तुमुन प्रत्यय है, श्रु धातु है, ठीक है, इच्छामि, बस इतना। ठीक है, एक और बार श्लोक देख ले। एतन्मे भगवन् सर्वं सम्यक् आख्यातुम् अर्हसि, श्रोतुम इच्छामि चरितं रामस्य अक्लिष्टकर्मणः, अक्लिष्टकर्मणः रामस्य चरितं श्रोतुम इच्छामि, एतत् सर्वं मे सम्यक् आख्यातुम् अर्हसि हे भगवन्। ठीक है, कोई संदेह है इस श्लोक में? अर्हसी क्यों आया? अर्हसी एक इडियोमैटिक धातु है संस्कृत में, अर्ह धातु है। अर्हसी यानी वो उसका इडियम है, वो हम उसको हिंदी में अनुवाद नहीं कर सकते। भाई कह रही थी ना, क्या आप बता सकते हैं, ऐसा बोलते ना तो सकना क्या होता है, उसी प्रकार का, तो उसका ट्रांसलेशन नहीं हो सकता। तो कैन यू टेल, उस टाइप का कुछ पूछते हैं इंग्लिश में। ठीक है, इसी प्रकार कुछ इडियोमैटिक संस्कृत है ये। नहीं, यहाँ पर जो भी पूछ रहे हैं वो खुद पूछ रहे हैं ना। अर्हसी तो तुम, उस युष्मत शब्द के लिए आएगा, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, अर्ह शब्द पूजार्थक भी है। ठीक है, पूजार्थ में यूज करते हैं, बस उसका बस इतना है, पूजार्थक है, बस सूचित करता है, उसका ट्रांसलेशन नहीं कर सकते, इसलिए समझना बड़ा कठिन है। जैसे नत्वम शोचितुम अर्हसि बोलते, वहां पर पूजार्थ भी नहीं है वो। जैसे कृष्ण जी अर्जुन को बोलते हैं कि नत्वम शोचितुम अर्हसि, तो इसका अर्थ क्या है, कि तुम सोच नहीं सकते, इस प्रकार ऐसा है क्या, मतलब तुमको क्षमता नहीं है, ऐसा है क्या? नहीं, तो इसी प्रकार कुछ बता नहीं सकते उसके बारे में, बस वो संस्कृत इडियम है, इतना समझ में आता है, बस संस्कृत स्टाइल है, स्टाइल ऑफ स्पीकिंग इन संस्कृत, दैट्स ऑल। हिंदी में दीदी ये योग्यता अर्थ में लिया जाता है, जैसे जहाँ योग्यता लिखी होती है ना, वहाँ अर्हता लिखा होता है, तो ये मूल उसी धातु से बना होगा अर्ह, योग्य इस अर्थ में। वही बोल रही हूँ, हम कुछ भी, आप जो भी अर्थ निकालेंगे हिंदी में आप ट्रांसलेट करके नहीं बता सकते कि आप बताने की क्षमता रखते हैं, आप बता सकते हैं, कुछ भी हम यहाँ नहीं कर सकते, क्योंकि इतने संदर्भों में अर्ह से आता है। वही बोल रहे हैं, नत्वम शोचित अर्हसि में क्या बोलेंगे, कि तुमको योग्यता नहीं है इसलिए तुम शोच, मतलब योग्यता है तो तुम दुखी हो, ये अर्थ होता है क्या? नहीं, अगर उत्तम पुरुष का अगर ये क्रियापद है तो अर्हामी आना चाहिए क्या, ये मैं सोच रहा था। नहीं नहीं नहीं, वो भगवान करके पूछ रहे हैं ना, आप बताइए बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, युधिष्ठिर पूछ, किससे पूछ रहे हैं? मार्कंडेय ऋषि से पूछ रहे हैं, है ना, संबोधन। हाँ, संबोधन तो भगवान है, लेकिन मध्यम पुरुष वचन चल रहा है ना यहाँ पर। मध्यम पुरुष कौन है? सी था तो इसमें सी है, तो मध्यम पुरुष ही हुआ। एक मध्यम पुरुष धातु है, धातु रूप है ऐसा। ठीक है, ठीक, अभी आगे इतना उनका प्रश्न हो गया। और ये प्रश्न करण में एक छोटी सी बात बताना चाह रही हूँ। एक महान प्रवचन करता है जो एक संदर्भ में बता रहे थे कि आप कहीं भी प्रश्न करने का ये देख लीजिए, महाभारत में हो, रामायण में, किसी भी पुराण में, वो सीन डिस्क्रिप्शन कैसा रहता है कि वो मुनि आए या ऋषि आए और उन्होंने पूरा अतिथि सत्कार पूरा ग्रहण किया, वो जो होस्ट है उन्होंने पूरा उनको सब दिया, करने के बाद वो शांति से जब बैठे तब सभी लोग आके उनके पास बैठे, फिर किसी ने ये प्रश्न किया ऐसा, तो बोलते हैं ऐसा नहीं है कि कोई भागा जा रहा है, किसी काम में जाना है उसको, ये हो रहा है उसको, कुछ फोन कॉल आ रहा है, कुछ हो रहा है, तो उस टाइम में पूछो भाई भाई हमको बस एक संदेह प्लीज प्लीज बता दीजिए, ऐसा करके पीछे पड़ के कोई नहीं पूछता था। तो ये भी एक चीज है, हमें पुराणों से या संस्कार सीखने का तो बहुत है, तो ये छोटे छोटे संस्कार भी कि कब किससे कैसा प्रश्न करना चाहिए और प्रश्न करते समय कैसे शब्दों का प्रयोग होना चाहिए, ये सब भी हम अगर हमारी सूक्ष्म आंख रखेंगे, हाँ, सूक्ष्मता से पूछेंगे, तो जब सामने वाला रेडी है क्या, तो वहां बताइए क्या हाल है, ऐसा बोलने के बाद वो पूछते थे अच्छा हमारा एक संदेह है, तो ये सही एटिकेट होता है, सही मैनर्स होता है। ठीक है, उसके बिना जब हम व्यवहार करते हैं तो सबको परेशानी होती है। ठीक है, तो ये एक बात हमें यहाँ से पता चलती है, मैं बहुत अच्छे से। और एक बात है कि जब श्रोता
और वक्ता दोनों रहते हैं, तो श्रोता की ओर से वक्ता को एक हिंट की आवश्यकता होती है, वो कितना इंटरेस्टेड है। उसके बाद जब वक्ता बताना चाहते हैं तो कितना बताना है, संक्षिप्त बताना है, क्लियरली बताना है, बहुत विवरण से बताना है, वो वक्ता डिसाइड कर सकता है। तो यहाँ पर युधिष्ठिर बोलते हैं सम्यक आख्यातमर्हसि, आप बहुत विपुलता से, बहुत अच्छे से, बहुत स्पष्टता से मुझे बताइए, ठीक है, पूरा चरित्र मैं सुनना चाहता हूँ। तो फिर अभी मार्कंडेय जी को पता चल गया है, ठीक है, ये व्यक्ति मैं इसको पूरी कहानी मैं सुना सकता हूँ, ठीक है, ऐसे। चलिए फिर मार्कंडेय को, अच्छा वो क्या बोल रहे हैं देखते हैं। अजो नामा भवद राजा महानिक्ष्वाकुवंशजः तस्य पुत्रो दशरथः शश्वत्स्वाध्यायवान् शुचिः, ठीक है, अजः नामा राजा अभवत्, ठीक है, अजः नामा अभवत् राजा महान इक्ष्वाकु वंशजः तस्य पुत्रः दशरथः शश्वत् स्वाध्यायवान् शुचिः, ठीक है। इस श्लोक को एक बार मैं पढ़ने के लिए शिव भ्राता को बुलाना चाहूंगी। शिव भ्राता, शिव पांडे जी, क्या आप इसका अनुच्चारण करेंगे? अजह नाम अभवत् राजा, अनुच्चारण अनुच्चारण, जैसे मैं एक बार बोलूंगी आप दो बार बोलेंगे, ठीक है, मेरे बाद मैं एक बार बोलूंगी आप दो बार, और उस समय दूसरे लोग उसका अनुच्चारण अपने म्यूट में होकर करेंगे, ठीक है। अजो नामा भवद राजा, अजो नामा भवद राजा, दो बार अजो नामा भवद राजा महानिक्ष्वाकुवंशजः तस्य पुत्रो दशरथः तस्य पुत्रो दशरथः शश्वत्स्वाध्यायवान् शुचिः सस्वत् स्वाध्यायावान् शुचिः। अस्तु अस्तु, स्वाध्यायवान्, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। हाँ, तो अभी इसका हम अन्वय देखते हैं, पद विभाग तो हम देख चुके हैं, तो अन्वय देखते हैं। महान इक्ष्वाकु वंशजः अजः नाम राजा अभवत्। हाँ, महान इक्ष्वाकु वंशजः अजः नाम राजा अभवत् तस्य पुत्रः दशरथः शश्वत् स्वाध्यायवान् शुचिः, ठीक है, शश्वत् स्वाध्यायवान् शुचिः तस्य पुत्रः दशरथः। तो ये बता रहे कहाँ से शुरू किया, अज महाराज कौन है, दशरथ के पिता है, ठीक है, रघुवंश रघुकुल में जन्मे एक महान राजा अज महाराज। ये तो महान इक्ष्वाकु वंशजः, इक्ष्वाकु, तो ये वंशों के जब नाम आते हैं तो अभी इसका देखते हैं, पहले विश्लेषण बाद में करते हैं। तो इक्ष्वाकु वंश में जन्मे अज नाम के एक राजा हुए, ठीक है, अभवत्। तस्य पुत्रः दशरथः, उसका पुत्र दशरथ शश्वत् स्वाध्यायवान् शुचिः, वो बहुत ही नित्य, शश्वत् यानी पुनः पुनः, नित्य कर्म के तरह वो स्वाध्यायवान् शुचिः। स्वाध्याय का अर्थ है, दो अर्थ है इसके, एक तो आत्मा अनात्मा का विचार करते हुए मैं कौन हूँ ये प्रश्न का समाधान खोजना, ठीक है, वेदांत आदि इत्यादि के सहारे से, शास्त्रों के सहारे से स्वयं की खोज करना, ये एक है। दूसरा ये है कि अपने वर्ण धर्म जो रहते हैं, ठीक है, ये सब उसके अनुरूप जो भी अध्ययन है उसको करना, ठीक है, तो ये क्षत्रिय है तो क्षत्रिय अनुरूप ये चीजें करना, ये भी एक स्वाध्याय है। और शुचि का अर्थ होता है अंतरंग जिसका शुचि हो, ठीक है, अंतरंग जिसका बहुत ही एकदम कोमल हो, कोमल और निर्मल हो, ठीक है, निर्मल होना चाहिए, ठीक है, तो ये सब करने वाला
वो ऋषि तुल्य एक राजा था दशरथ, ठीक है, शुचि था, उसका मन में कोई दूसरी भावनाएं नहीं थी जो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक और बार, महान इक्ष्वाकु वंशज, इक्ष्वाकु वंश में जन्मे अज नाम का राजा हुए, उनका पुत्र दशरथ है, वो जो शश्वत बहुत ही नित्य रूप से वो स्वाध्याय करते हैं, स्वाध्यायवान शुचि और बहुत ही निर्मल अंतरंग वाले हैं, ठीक है। अभी इसका एक एक करके ये लेते हैं, इसका क्या कहते हैं, व्याकरण रूप से एनालिसिस करते हैं। महान, महत्व शब्द, इक्ष्वाकु उसका पुल्लिंग एक वचन प्रथमा विभक्ति, इक्ष्वाकु वंशज, इक्ष्वाकूणाम वंशः, इक्ष्वाकु वंशः, नहीं तो इक्ष्वाकोः वंशः, इक्ष्वाकु वंशः, तस्मिन् जातः, ठीक है, इक्ष्वाकु वंशे जातः इक्ष्वाकु वंशजः, ठीक है। तो ये इक्ष्वाकु कौन है, ये है एक महान, जैसे वंश के नाम दो लोगों से हो, दो तरीके से होते हैं, एक सच में उस कुल का जो नाम होता है वो सूर्य वंश जैसे, फिर रघुवंश, इक्ष्वाकु वंश, काकुत्स्थ वंश एक और है, काकुत्स्थ, ठीक है, तो काकुत्स्थ वंश भी बोलते हैं। तो वो क्यों बोलते हैं, वो महाराज जो रहा है उस कुल में वो इतना महान है कि ये राम वंश बोलते हैं, आपने कभी सुना है इसको, राम जी के बाद भी ये राम वंश नहीं हुआ, इतने महान आए हैं फिर भी हम इसको राम वंश नहीं बोलते, इसको रघुवंश बोलते हैं, इक्ष्वाकु वंश बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे इसलिए होगा क्योंकि राम जी के बाद हमने कुछ पढ़ा नहीं है, वो राम जी की ही कहानी है, राम जी इतने महान होने के बाद नेक्स्ट जो राजा लोग हैं वो राम वंश बोलते होंगे, पर हमें तो राम तक ही हम लोग रुक गए हैं, इसीलिए भी हो सकता है, केवल ऐसे मजाक के लिए, ठीक है। वंशजः अजः, अजः का अर्थ है जिसका जन्म ना हो, ना जन्मायस्य अजः, वो केवल एक केवल शब्द कहने को है, जैसे नामकरण करते बस वही है सामान्य सा। अजः गुण से ऊपर नाम रखने के लिए जब वो जन्मता है तभी हमको पता नहीं होता है ना, तो कैसे भी बस नाम रखते हैं, उसके बाद हमें गुणों का पता चलता है। तो अजः नाम राजा अभवत, अज नाम का एक राजा हुआ, उसका पुत्र दशरथ शश्वत स्वाध्यायवान शुचिः, ठीक है। तस्य अभवत लंगलकार है, भू धातु है, प्रथम पुरुष एक वचन है, और नाम राजा है, नाम एक अव्यय है, नाम का बस ऐसा ऐसा ही अर्थ आता है उसका। राजा राजन शब्द है, उसका एक वचन प्रथमा विभक्ति, और दशरथ, इसका जो रथ है, दशरथ नाम कैसे पड़ा, इनका जो रथ है वो दशो दिशा में जा सकता है, ठीक है, मतलब किसी भी दिशा में कहीं भी जा सकता है, तो इसलिए उनका नाम दशरथ पड़ा। तो उसका पुत्र, तस्य पुत्रः, तस्य तद शब्द का षष्ठी एक वचन पुल्लिंग, पुत्रः, तस्य पुत्र, क्योंकि दशरथ अजस्य, अजस्य है, तस्य यानी अजस्य, अजस्य पुत्रः दशरथः शश्वत स्वाध्यायवान शुचि, शश्वत नित्य अव्यय है, ये नित्य अर्थक है, स्वाध्यायवान जिसके पास स्वाध्याय हो, जो स्वाध्याय करता हो ऐसा व्यक्ति, शुचि ही निर्मल अंतरंग, ठीक है, शुच धातु का इन प्रत्यय है शुचिन, ठीक है, शुचि ही इससे हो, ठीक है। एक और, इसमें कोई संदेह है क्या, किसी के पूछ सकते हैं, अस्तु एक बार फिर इसका पुनरावृत्ति करके आगे बढ़ते हैं। कोहम भ्राता, आप एक बार आके पूरा श्लोक और अनुवाद पद विभाग में पूरा पढ़िए, अवश्य 2.5 से पढ़ना है मैडम, 2.5 भी पढ़िए एक बार, वो भी पढ़ा नहीं था, ओके ओके। एतन्मे भगवन् सर्वं सम्यगाख्यातुमर्हसि, श्रोतुमिच्छामि चरितं रामस्याक्लिष्ट कर्मणः। मार्कण्डेय उवाच, अजो नामाभवद्राजा महानिक्ष्वाकुवंशजः, तस्य पुत्रो दशरथः शश्वस्त्वाध्यायवान् शुचिः। और एक बार, एतन्मे भगवन् सर्वं
सम्यगाख्यातुमर्हसि श्रोतुमिच्छामि चरितं रामस्याक्लिष्टकर्मणः मार्कण्डेय उवाच अजो नामाभवद्राजा महानिक्ष्वाकुवंशजः तस्य पुत्रो दशरथः शश्वस्वाध्यायवान् शुचिः। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, धन्यवाद। चलिए अभी 2.7 में चलते हैं, ठीक है? ये श्लोक मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। अभवंस्तस्य चत्वारः पुत्रा धर्मार्थ कोविदाः राम लक्ष्मण शत्रुघ्ना भरतश्च महाबलः। एक और बार। अभवंस्तस्य चत्वारः पुत्रा धर्मार्थ कोविदाः राम लक्ष्मण शत्रुघ्ना भरतश्च महाबलः। ठीक है। अभवन् तस्य चत्वारः पुत्राः धर्मार्थ कोविदाः राम लक्ष्मण शत्रुघ्नाः भरतः च महाबलः। गंगोत्री भगिनी को बुलाना चाहूंगी अनुच्चारण के लिए, ठीक है? मैं एक बार बोलूंगी, गंगोत्री भगिनी दो बार बोलेंगी, ठीक है? जी दीदी। अभवंस्तस्य चत्वारः। अभवंतस्य चत्वारः। अभवंतस्य चत्वारः। पुत्राधर्मार्थकोविदाः रामलक्ष्मणशत्रुघ्ना भरतश्च महाबलः। भरतश्च महाबलः। भरतश्च महाबलः। बहुत धन्यवाद। अभवंस्तस्य, ये आ, आ, आपने पढ़ते समय पद विभाग देखा होगा, ये अभवंस्तस्य उसी को मिला के लिखने का तरीका है, ठीक है? श्लोक में सर्वदा संहिता पाठ होता है, हमें ब्रेक करके नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है? पर कोई बात नहीं, ठीक है, अभवंतस्य बोले तो भी ठीक ही है, गलत नहीं है, ठीक है जी। Okay. मेरा एक प्रश्न है दीदी, पूछूं क्या? हाँ पूछिए। ये अभवस्तस्य आ गया तो वहां फिर ओ, क्या बोलते हैं, बिंदु की जरूरत, अनुस्वार की जरूरत है क्या? अभवन है ना वो नकार अनुस्वार। अभवन में फिर सा नहीं आना चाहिए ना, ना आना चाहिए। अभवन संधि के कारण आया है, मैं बता करके बताती हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, थैंक यू। नहीं आना चाहिए, ऐसा नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? आएगा तो ही वहां लिखे है ना, तो किस विधान से आता है, क्यों आता है, कि हम बाद में जानते हैं। मैंने बहुत जगह देखी है ऐसा लिखा हुआ, ठीक है? लेकिन मुझे व्याकरण का वो सूत्र सहित मुझे नहीं मालूम, इसलिए मैं उसको आपको पूरी प्रक्रिया से आपको बताऊंगी, ठीक है? बस समझ लीजिए। तो वही एक छोटी सी बात है, प्रश्न पूछते समय कि हमको सभी विषयों का ज्ञान नहीं होता है ना, तो इसलिए हम ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं आना चाहिए ना, ऐसा नहीं। हमारा जो अभी तक का ज्ञान है उसमें हमने नहीं देखा उसको, तो प्रायः हम कुछ मिस कर रहे हैं, ठीक है? तो प्रश्न करते समय कि हमें मिसिंग एनीथिंग हियर, ऐसा इस भावना से पूछना चाहिए, या फिर बस ये मत बोलिए कि ऐसा होना चाहिए, बस वो शब्द को छोड़कर बताइए कि यहाँ यह कैसे आया, एक जिज्ञासा है कि यहाँ कैसे आया, अभी तक तो मैंने ऐसा नहीं देखा था, इज देयर एनीथिंग आई एम मिसिंग। तो इस प्रकार के दृष्टि से पूछेंगे तो जो बताने वाला होता है ना, हम क्या उसको एक ये कर रहे हैं, इसको लिमिट कर रहे हैं कि हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी तो है ना कि हम सब कुछ तो नहीं देखा है ना आज तक, इसीलिए तो उसके लिए थोड़ा रेडीनेस होना चाहिए जो बताने वाला है, फिर उसको आपके आपके वाद को कट करके बताना पड़ेगा। अगर वो आप सिर्फ प्रश्न पूछ रहे तो उतना ही बताएगा, इतना जरूरत है तो आपको जो जो भी उसका वहां पर लैगिंग पॉइंट है, गैप है, वो फिल हो जाता है, ठीक है? इस प्रकार बस छोटी सी बात है, स्मारये न तु शिक्षये, ओके? बस बता रहे हैं कि इस प्रकार प्रश्न पूछने का तरीका एक होता, नहीं तो आप फंसेंगे, ठीक
ठीक है, क्षमा कीजिएगा सायंत, सही बात है, आपने जो कहा सही है कि मैंने बताया था ना ये कक्षाएं केवल अध्ययन के लिए, संस्कृत भाषा सीखने मात्र के लिए, संस्कृति संस्कार के लिए भी है, ठीक है। तो बस इनमें से हमको जो जो मिल रहा है वो भी हम ग्रहण करेंगे, जितना मुझे पता है बताएं, आपको कुछ पता है, आपको कुछ पता है तो आप भी शेयर कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है, कोई भी अच्छा गुण हो, अच्छी बात हो, आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम अभी इसका अन्वय देखते हैं, पद विभाग तो हमने देख लिया, फिर अन्वय देखते हैं। तस्य धर्मार्थ कोविदाः चत्वारः पुत्राः अभवन् राम लक्ष्मण शत्रुघ्नाः भरतः च महाबलः। ये अन्वय है इसका, ठीक है। तस्य कस्य, दशरथस्य, ठीक है, दशरथस्य धर्मार्थ कोविदाः चत्वारः पुत्रः पुत्राः अभवन्। तो दशरथ महाराज के धर्म और अर्थ में कोविद, ठीक है, धर्म विषय में, अर्थ विषय में एकदम निपुण, दक्ष, समर्थ, ठीक है, बहुत ही पंडित विद्वान, चत्वार पुत्र, ठीक है, चार पुत्र हुए उनके अभवन, ठीक है, चार पुत्र हुए, राम लक्ष्मण शत्रुघ्न, उनके नाम थे राम लक्ष्मण शत्रुघ्न और भरत, ठीक है। अच्छा बताइए, भरत अच्छा महाबला बोला है तो केवल भरत महाबल है क्या, कोई और नहीं है क्या, ये प्रश्न भी आता है, लेकिन ऐसा नहीं है, भरत ही महाबल है। तो सोचिए राम लक्ष्मण शत्रुघ्न भी तो महाबल होंगे ना, अब चार भाई हुए, सब धर्मार्थ कोविद है, तो सभी बली भी होंगे, महाबल भी सबका होगा, बस यूं ही ऐसा भरत के बारे में थोड़ा सा बता दिया है, ठीक है। अभी इसका एक एक शब्द का व्याकरण जानेंगे। तस्य, तद शब्द, उसका षष्ठी विभक्ति एकवचन, पुल्लिंग, षष्ठी पुल्लिंग, धर्मार्थ कोविदाः, धर्मे धर्मः च अर्थः च धर्मार्थौ, धर्मार्थयोः कोविदः धर्मार्थ कोविदाः ते, ठीक है। धर्म में और अर्थ में जो कोविद है, ठीक है, धर्म और अर्थ, धर्मार्थ दोनों में कोविद धर्मार्थ, चत्वारः पुत्रः, ठीक है, चत्वार पुत्र यानी चार ना, चत्वारः पुत्रः, पुत्र शब्द आकारान पुल्लिंग, इसका बहुवचन प्रथमान। अभवन, भू धातु का लंग लकार, प्रथम पुरुष बहुवचन, ठीक है, अभवन, क्योंकि पुत्राह है ना, पुत्राह हुए तो अभवन, इसलिए बहुवचन है। फिर राम लक्ष्मण शत्रुघ्न, राम च लक्ष्मण च शत्रुघ्न च राम लक्ष्मण शत्रुघ्न, ठीक है। तो भरत च महाबल, भरत को अलग से नाम उसका लिया है, ठीक है। तो तस्य धर्मार्थ कोविदाः चत्वारः पुत्राः अभवन् राम लक्ष्मण शत्रुघ्नाः भरतश्च महाबलः। कामिनी भगिनी आप पढ़िए। जी भगिनी, अभवन् तस्य चत्वारः, श्लोक भी पढ़ना है भगिनी, श्लोक पढ़िए, श्लोक। अभवन् तस्य चत्वारः अभवन् तस्य चत्वारः पुत्र धर्मार्थ कोविदा राम लक्ष्मण शत्रुघ्ना भरतश्च महाबलः। पद विभाग, अभवन् तस्य चत्वारः पुत्राः धर्मार्थ कोविदाः राम लक्ष्मण शत्रुघ्नाः भरतः च महाबलः। अन्वय, तस्य धर्मार्थ कोविदाः चत्वारः पुत्राः अभवन् राम लक्ष्मण शत्रुघ्नाः भरतः च महाबलः। बहुत सुंदर। अच्छा, पुत्रा के बाद एक विसर्ग रहना है, शत्रुघ्नाः के बाद एक विसर्ग रहना है, वो विसर्ग संधि के कारण चला गया है, उसका लोप हो गया है, ठीक है, दिख नहीं रहा है पर है वहां पर, इसीलिए हमने अन्वय में और पद विभाग में उसको रखा, ठीक है। एक्चुअली पुत्रा अभवन यही होना चाहिए, यहाँ पर भी ड्रॉप हो जाता, लेकिन हम उसको रखते हैं ताकि क्लैरिटी के लिए, ठीक है, तो कंफ्यूज हो जाएंगे, राइट। तो इसमें भी कोई और संदेह तो नहीं है, इसमें कुछ संदेह है तो आप पूछ सकते हैं। एक अभवन तस्य मैं बाद में बताऊंगी, इसका पता करके बताऊंगी, और कुछ मस्त। अभी नेक्स्ट श्लोक में चलते। हाँ दीदी, एक संदेह है दीदी, हाँ, यहाँ देखिए राम लक्ष्मण शत्रुघ्न है,
ये उनके वयः क्रम के अनुसार तो नहीं है ना ऐसा, ये सामासिक पद बनाने के लिए इनका क्रम बनाया गया है ऐसा है क्या? रामा कौशल्या का पुत्र है, लक्ष्मण और शत्रुघ्न सुमित्रा के पुत्र हैं, बस ऐसे बनाया होगा श्लोक में फिट करने के लिए भी हो सकता है, इसका कोई स्पेशल ये भी नहीं है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, भरत ठीक है। हाँ कैकेयी का पुत्र है, बस थोड़ा सा से बताना कुछ। रामस्य माता कौसल्या कैकेयी भरतस्य तु सुतौ लक्ष्मणशत्रुघ्नौ सुमित्राया परंतपौ। एक और बार, रामस्य माता कौसल्या कैकेयी भरतस्य तु सुतौ लक्ष्मणशत्रुघ्नौ सुमित्राया परंतपौ। ठीक है, तो इसमें तो एक भी शब्द नहीं है जो नहीं मालूम है। ठीक है, मैं स्वयं पूछना भी नहीं चाहूंगी, सभी शब्द एकदम परिचित है ना। रामस्य माता कौसल्या कैकेयी भरतस्य तु सुतौ लक्ष्मण शत्रुघ्नौ सुमित्रायाः परन्तपौ। तो इसका भी अन्वय देखते हैं। रामस्य माता कौसल्या, भरतस्य माता तु कैकेयी, सुमित्रायाः सुतौ लक्ष्मण शत्रुघ्नौ परन्तपौ। ठीक है, रामस्य, राम जी की माता जननी कौसल्या, उसका नाम है कौसल्या, भरतस्य, भरत की माता, उसकी माता जननी कैकेयी। ठीक है, सुमित्रायाः, सुमित्रा के, सुमित्रा नाम के, उसकी तीन पत्नी थे ना दशरथ के, तो वो तीसरी वाली का सुतौ, उसके दो बेटे हैं लक्ष्मण शत्रुघ्नौ। कौसल्या का एक बेटा, भरत तो कैकेयी का बेटा, सुमित्रा के दो बच्चे हैं लक्ष्मण और शत्रुघ्न, और दोनों परंतपौ यानी शत्रुओं को तपाने वाले हैं। ठीक है, उनको एकदम पीड़ित करने वाले हैं यानी उनको मार गिराने वाले हैं। ठीक है, परान तापयति तापयन्ति थी। ठीक है, शत्रुओं को तापित करते हैं, उनको एकदम हिला देते हैं। ठीक है, वैसे अभी इसका फिर आगे देखते हैं, इसका व्याकरण विश्लेषण। रामस्या, राम शब्द है अकारांत पुल्लिंग, फिर इसका षष्ठी विभक्ति एकवचन। माता मातृ शब्द है, मातृ शब्द का प्रथमा विभक्ति एकवचन। माता कौसल्या, ठीक है, कौसल्या आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, एकवचन प्रथमा विभक्ति। भरतस्या, भरत आकारांत पुल्लिंग है और इसका षष्ठी विभक्ति है। माता तो कैकेयी नाम है, ईकारांत स्त्रीलिंग। सुमित्रायाः, फिर नाम है सुमित्रा, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, उसका षष्ठी विभक्ति एकवचन है। सुतौ लक्ष्मण शत्रुघ्नौ, सुतौ सुता शब्द है, द्विवचन प्रथमा विभक्ति। लक्ष्मण शत्रुघ्नौ, लक्ष्मणश्च शत्रुघ्नश्च लक्ष्मण शत्रुघ्नौ। परंतपौ, तो परों को तापित करने वाले। ठीक है, दोनों परान तापयन्ति इति परंतपः तौ, दोनों ही परंतप। अरे वाह, बहुत बढ़िया, उधर तो भरताच महाबलः बोले और राम जी के बारे में कुछ नहीं बताया, फिर यहाँ सुमित्रा के सुत दोनों परंतप है बोल रहे हैं, राम जी के बारे में कुछ नहीं बताया। ये तो बिल्कुल ज्यादती हुई, पूछ हम राम जी के बारे में रहे और ये बोल किसी और के बारे में रही है, क्या बात है ना। रुकिए रुकिए, हाँ अभी आगे सब राम जी का ही है। ठीक है,
इसलिए बस थोड़ा सा इनके बारे में बता के आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये तीनों के बारे में पहले बोल दिया, उसके बाद वो राम जी के बारे में बोले। ठीक है, एक और बार, रामस्य माता कौसल्या, राम की माता कौसल्या है। भरतस्य माता तु कैकेयी, भरत की माता कैकेयी है। सुमित्रायाः सुतौ लक्ष्मण शत्रुघ्नौ परन्तपौ, सुमित्रा के दो बेटे लक्ष्मण और शत्रुघ्न वो परों को स्थापित करने वाले यानी शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। ठीक है, तो इस श्लोक को पढ़ने के लिए मैं कोहम जी को बुलाती हूँ। कोहम जी इसका पूरा श्लोक पढ़िए, रामस्य माता से लेकर अन्वय पूरा पढ़िए, पद विभाग अन्वय भी पढ़िए, सिर्फ 2.8। जी जी, रामस्य माता कौशल्या कैकेयी, एक मिनट छुपा हुआ है, कैकेयी भरतस्य तु, रामस्य माता कौशल्या कैकेयी भरतस्य तु, सुतौ लक्ष्मण शत्रुघ्नौ सुमित्रायाः परन्तपौ, सुतौ लक्ष्मण शत्रुघ्नौ सुमित्रायाः परन्तपौ, रामस्य माता कौशल्या कैकेयी भरतस्य तु, सुतौ लक्ष्मण शत्रुघ्नौ सुमित्रायाः परन्तपौ, रामस्य माता कौशल्या कैकेयी भरतस्य तु, सुतौ लक्ष्मण शत्रुघ्नौ सुमित्राया परंतपो, ये पद विभाग हुआ। हाँ, परंतपो कुछ रह गया क्या? नहीं नहीं, बीच में आपकी आवाज कट गई थी, कुछ सब। ओ, फिर से पढ़ूं के? हाँ, बस अन्वय पार्ट फिर से पढ़िए। ओ, रामस्य माता कौशल्या कौशल्या ऐसा कौशल्या कौशल्या नहीं कौशल्या अच्छा कौशल्या कौशल्या नहीं कौशल्या नहीं कौशल्या अच्छा रामस्य माता कौशल्या भरतस्य तु कैकेयी सुमित्रायाः सुतौ लक्ष्मण शत्रुघ्नौ परन्तपौ। इसीलिए मैं पढ़ाती हूँ यहाँ पर, इसीलिए तो उच्चारण भी आपसे करवा रही हूँ, तो उस समय आप शब्दों पर भी ध्यान दीजिएगा, उसके बिना हो ही नहीं सकता काम। हम देखिए तेलुगु भाषी भी बहुत सारे मिस्टेक्स करते हैं, उत्तर भारतीय भी मिस्टेक्स करते हैं, महाराष्ट्री भी करते हैं, हम सारे भारतीय संस्कृत को कहीं ना कहीं गलत पढ़ते हैं। ठीक है, मातृभाषा में आप चाहे जो भी बोले, मातृभाषा में आप कौशल्या बोल लीजिए, वहां गलत नहीं होगा, पर जब आप संस्कृत बोल रहे हैं, संस्कृत की परिप्रेक्ष्य में बात हो रही है, तो आपको कौशल्या ही बोलना पड़ेगा। तो इस बात का बहुत ध्यान, 70 साल तक मैं कौशल्या ही बोलता रहा हूँ। नमस्कार बोलते हैं, नमस्कार है, कैलाश बोलते हैं, कैलाश है। ठीक है, कैलाश सारे शब्द है जहाँ पर गलत करते हैं, कैलाश। ठीक है, और तेलुगु वाले अध्ययन को अध्ययन बोलते हैं, अध्ययन झ बोलते हैं, मतलब वो तेलुगु में चलता है क्योंकि तेलुगु में वो सब शब्द नहीं है, तो उनको आदत नहीं होती है नेटिव टंग में, और कुछ कुछ ना हमें अभ्यास हो जाता है, बस सुन सुनकर अभ्यास हो जाता है कौशल्या। हाँ, जैसे हमारी एक भगिनी है, वो अच्छे से बोल सकती है बिना ई, ऐसा जैसे स्कूल ऐसे बोलते हैं, वो बिना ई बोले बोल सकती है, उनको क्षमता है, लेकिन सुन सुन को उनको इतनी आदत हो गई अपने प्रदेश में। ठीक है, तो उनको बताना पड़ता है कि आप बोल सकती हैं, इसलिए थोड़ा याद करके बोलिए उसको, बिना बोल के आप ई बिना बोले बोलिए इसको, तो बोल सकती हैं। इसी प्रकार तो खुद को ना करेक्ट करना पड़ता है। मैं भी कई, मुझे शाह बोलना नहीं आता था, शाह मैंने बहुत ही मुश्किल से सीखा, मेरे नाम में है, देखिए मैं आज तक अपने आप को उषा उषा बोलती रही, लेकिन मेरा नाम उषा है, उषा शाह है, तो शाह मैं बोल नहीं पाती थी, मैंने बाद में बहुत बहुत बाद में सीखा मैंने। ठीक है, तो इस प्रकार कई सारे हैं, और फिर अभी तक मुझे संहिता पाठ नहीं आता, मैं अपना भी बता रही हूँ, मुझे भी संहिता पाठ पढ़ना नहीं आता, मैंने बड़ों से सीखा है, उनको बोलते हुए सुना है, जैसे शुक्लाम वरधरम विष्णुम, ये हम बोलते हैं, लेकिन संहिता पाठ होता है शुक्लाम वरधरौ विष्णुम, रौ विष्णु व है ना, व से पहले का अनुस्वर औं होता है, औं, उसके अम नहीं बोलना। ठीक है, शशिवर्णं चतुर्भुजं
शशिवर्ण। अभी हमने इससे पहले वाले श्लोक में एक देखा ना, स्वाध्यायवां शुचिगि, यहाँ है ना वो बोलना, शशिवर्णम चतुर्भुजम, लेकिन हम क्या बोले, शशिवर्णम अम, नहीं गलत है वो, संहिता पाठ में गलत है, जैसे ग्रामेटिकली रॉन्ग नहीं है लेकिन वहां अगर संहिता पाठ पढ़ रहे हैं तो वो गलत होगा। ठीक है, प्रसन्न वदनम ध्यायेत, बोलते ध है वहां पर नेक्स्ट, तो वो क्या होता है, प्रसन्न वदनन ध्यायेत होगा संहिता पाठ में। मैं भी अभी अभी सीख रही हूँ, अभी विष्णु सहस्र नाम में एक पारायण होता है, उसमें जाती हूँ रात में 9 to 9:30, तो उसमें वो लोग ऐसा पढ़ते, तो उनसे सुन सुनकर मैं भी सीख रही हूँ। और एक चल्ले केरे ब्रदर्स करके हैं, चल्ले केरे ब्रदर्स आप यूट्यूब में डालेंगे तो विष्णु सहस्र नाम का, ललिता सहस्र नाम का, रुद्रम का और शिव सहस्र नाम का सब है उनके। ठीक है, ये बहुत सारे उन्होंने वीडियो बनाए हैं, मतलब वीडियो कुछ नहीं रहता, इट्स ओनली ऑडियो जस्ट पुट विद अ स्लाइड, तो आप उसमें डाउनलोड करके आप सुनिएगा, वो लोग बहुत अच्छा उच्चारण करते हैं। मंत्र रूपी महाविष्णु करके है उनका एल्बम का नाम, उसमें विष्णु दास नाम है, और बाकी भी कुछ स्तोत्र वोत्र पढ़े हैं उनका, संस्कृत अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो बहुत सारी जगह वो सही पढ़ते हैं, उनके भी कहीं एक दो जगह वो भी गलत करते हैं, पर आप प्याय। कौन सी ब्रदर है, क्या नाम है उनका, चल्ले केरे, CHALLEKER, CHALLEKER, चल्ले केरे ब्रदर्स, ये कन्नड़ वाले हैं। ठीक है, बहुत सुंदर उच्चारण है उनका, आप चले करे ब्रदर्स करके यूट्यूब में डालिए, उनके सारे आप आपको दिख जाएंगे, ललिता विष्णु शिव रुद्रम सब दिखेंगे उनके, और रुद्रम का उन्होंने तो घना पाठ वगैरह भी कुछ किया है, घना पाठ तो बहुत सुंदर घना पाठ है, कुछ अनुवाकम, कुछ ही अनुवाकम, कन्नड़ है, कन्नड़ है वो, कन्नड़ प्रदेश ही है लेकिन पढ़ा सा संस्कृत में ही है ना, ये सब संस्कृत टेक्स्ट है ना, भाषी कन्नड़ भाषी है लेकिन उसका कोई प्रभाव उनके संस्कृत उच्चारण पर नहीं पड़ा है। हाँ, तो ये बहुत अच्छा उच्चारण करते हैं, अगर आप संहिता पाठ वगैरह आपको सीखना है ना तो उनका बहुत अच्छा सुंदर है, मैं भी उनका भी सुन सुनकर सीख रही हूँ, सुबह रोज चलाती हूँ उनका, शिव सहस्र नाम वगैरह सब सुनती रहती हूँ, तो उसी से मैं भी सीखती हूँ। ठीक है, रुक रुक कर पढ़ते हैं, जैसे स्तोत्र पाठ भी करते हैं ना, तो हम भी रुक रुक कर पढ़ते हैं, कहीं पर है अच्छा वो नहीं आ रहा है, हमको याद नहीं आ रहा है, तो थोड़ा एक सेकंड रुक कर बोलेंगे तो आ जाएगा। कई सारे लोग महाप्राण नहीं बोल पाते, साउथ इंडियंस कई सारे लोग नहीं बोल पाते, शाह नहीं बोल पाते, अच्छा आप लोग एक्सट्रीम है, शाह को शाह बना देते हैं, हम लोग इस तरफ के एक्सट्रीम है, हम शाह को शाह बना देते हैं। ठीक है, तो ये सब मैं पूरा डिस्कस कर चुकी हूँ वो सुरवाणी विलास की पहली कक्षा में, पहली और दूसरी कक्षाएं आप सुनेंगे तो उसमें ये पूरा कवर हो चुका है सारा। ठीक है, लेकिन मैं फिर से बताती रहूंगी ताकि आपको बार बार ध्यान जाए उस विषय पर और करेक्शन कर, ऐसा मत सोचिए कि मैं किसी को काट रही हूँ, किसी की बात को गलत समझाने में मुझे आनंद आता है, ऐसा मत सोचिएगा, ना ही शो ऑफ के लिए कर रही हूँ, बस करेक्शन करना टीचर का विधि होता है इसलिए बता रही हूँ। ठीक है, नहीं नहीं बिल्कुल, हम लोग ऐसा बिल्कुल नहीं सोचेंगे भगिनी, ये क्लास ये सूक्ष्म दृष्टि हम लोगों को नहीं था, मतलब ये हम जैसे पढ़ते चले जा रहे थे ऐसे, ये सूक्ष्म दृष्टि जैसे वांछुचि है उसमें इंग लगता है, तो हर हर का पा क च ट त प व का लास्ट अक्षर आता है उसमें अगर अनुस्वार है तो। देखिए एक बात है, मैंने बच्चों में भी देखा है कि क्षमता होती है, एक्चुअली ना कुछ गलत प्रचार हो गया संस्कृत के बारे में, दो बातें गलत हो गई, एक तो संस्कृत टफ है बोलकर उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश की गई, और दूसरा ये कि सब लोग नहीं बोल पाते इसलिए उनकी लेवल तक संस्कृत ले आने की कोशिश की गई, ये दो कोशिशें बिल्कुल गलत है। ठीक है, एक्चुअली बच्चे रेडी रहते हैं, वो लोग में बहुत क्षमता रहती है। ठीक है, तो अगर वो बचपन से ही सही शब्द सुनेंगे तो सही बोलेंगे, यदि मराठी भाषी ध्यान 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 बोल रहा है तो वो ध्यान ही बोलेगा, ज्ञान कभी नहीं बोलेगा, अगर तेलुगु भाषी ज्ञान ज्ञान बोल रहा है तो ज्ञान ही बोलेगा बच्चा, अगर घर में वो पहले से ज्ञान सुन रहा है तो सोचिए वो भी ज्ञान ही बोलेगा, है ना, इसीलिए संस्कृत विद्या की बहुत 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 आवश्यकता है। बच्चों में वो संस्कार हम पहले से ही डाल देंगे ना तो वो उनको कॉन्शियस रहेगा कि हमको ये गलत नहीं, अच्छा गलत नहीं बोलने चाहिए करके एक चीज है बोल के भी नहीं मालूम, कितने सारे ग्रेट ग्रेट सिंगर्स में स्तोत्र मुझे सुनना बहुत पसंद है, एक्चुअली यूट्यूब मुझे बहुत पसंद है क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारे स्तोत्र अच्छे सुंदर सुंदर गायक रखते हैं, कई ट्यून्स में गाते रहते हैं, मुझे बहुत शांति मिलती है, अच्छा लगता है, जब भी लगाती हूँ उनका उच्चारण सुन के मुझे वॉमिटिंग आती है, मैं उसको बंद कर देती हूँ, सच में वॉमिटिंग आती है मुझे, ऐसे सुनने का मन ही नहीं करता,
अब भी मैं आज ही कुछ चला के सुन रही थी माहेश्वर सूत्र के बारे में बता रहे, अरे वाह कितना अच्छा टॉपिक है, अच्छा बता रहे, बोलते बोलते ओ ओ आ ई ई ओ आ, फिर पूरे को खो गो घो। अब ये क्या है भाई, को खो क्या है, का नहीं बोल सकते, आ नहीं बोल सकते, जब आ दीर्घ बोल रहे तो आ होगा ना उसका शॉर्ट फॉर्म, आ दीर्घ का ओ तो नहीं हो सकता, ओ ओ हो तो ओ दीर्घ होगा है ना, ओ बोलेंगे तो ओ दीर्घ होना चाहिए, वो साउंड क्या है, आ है आ। अब उनका आ गलत बोलने के कारण पूरे का खा गा घा गा सारे गलत चले, तो जहां पर भी वो अलग ऐसे मिल रहा है वो वंशो जो हो ऐसे बोलेंगे, ठीक है। और ये अगर श्चो है तो श्चो, श्चा नहीं बोलेंगे, हुआ चो ऐसे, इस प्रकार ये जरूरी है क्या ऐसा, तस्यो। अब ये ओ क्या है, ओ तो इसका कॉन्शियस भी नहीं रहता लोगों को, वो ऑथेंटिक स्कॉलर है, वो इज नॉट अ नॉर्मल पर्सन जो उतना सारा वो विषय बता रहे हैं, पर मुझे विषय सुनने की इच्छा ही नहीं हुई, जैसे ही मैंने उसका ओ ओ सुना, मुझे कितने बार मैंने कोशिश की कि आई हैव टू ओवरकम दिस एंड लिसन व्हाट ही इज सेइंग, मैं सुन ही नहीं पाती हूँ। इसलिए उच्चारण इज द फर्स्ट स्टेप, सही उच्चारण कीजिए, सही उच्चारण सीखिए, बहुत कॉन्शियस है, वो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं, ये मत सोचिए कि हम बड़े हो गए हैं और हम नहीं कर सकते, दैट्स अ वेरी रॉन्ग कॉन्सेप्शन। कुछ भी आप 90 इयर्स की एक दादी माँ अगर वो ये क्या बोलते हैं रनर बन सकती है तो यू कैन डू एनीथिंग, ठीक है, वो 80s में स्टार्ट करके 90s में वो अगर मेडल्स ले सकती हैं, और कोई व्यक्ति 92 में PhD कर सकता है, वो बोला मेरा लाइफ टाइम ड्रीम है, बचपन मुझे टाइम नहीं मिला, ठीक है, मैंने खुद देखा है डिस्टेंस एजुकेशन में नानी माए और दादी माए आकर अपने वो ना पोते पोतियों को ले आकर उनके सामने कॉन्वर्सेशन ले रही थी, ठीक है, MA PhD तब करके। तो इसलिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, बस आप उस पर ध्यान दे दिया कीजिए, बस इतना ही, ठीक है। तो थोड़ा कटु बोलती हूँ ताकि बात आपके अंदर जाए, ठीक है, उसका इम्पोर्टेंस आप समझे कि कितना नुकसान कर रहे हैं हम अपने धर्म का, अपनी संस्कृति की कितनी क्षति हो रही है, संस्कृत भाषा तो बस एक मजाक बन कर रह गई, कोई भी आए स्तोत्र पढ़े, बड़े बड़े सिंगर से बहुत सुंदर आवाज रहती है लेकिन क्या फायदा, सब गलत उच्चारण कर रहे हैं, ओ बिल्कुल सहन नहीं होता है मुझसे, और हमें भी किसी को भी सहन नहीं करना चाहिए, हमारी भाषा हमारा धरोहर है, ठीक है, हमारा नाम गलत बोलेगी। बस एक प्रश्न आपसे पूछते, अभी संडे क्लास में एक बच्चा वही कह रहा था, कुछ गलत बोल रहा था, मैंने कहा तुम्हारा नाम श्रेयस है, मैं श्रेयस बोलूंगी तुम्हें कैसा लगेगा, मैं तुम्हारा नाम गलत उच्चारण करूंगी क्या तुम सुनोगे, यशस बोलूंगी, यशस है नाम उसका, यशस नाम है, यशस बोलूंगी तुमको कैसा लगेगा, मैं पूछी उससे, वो बोला मुझे अच्छा नहीं लगेगा, फिर वो देवी देवताओं को क्यों अच्छा लगेगा, उनके स्तोत्र हम गलत पढ़ेंगे तो उनको गुस्सा नहीं आएगा, इंद्र के इंदर बोलेंगे, चंद्र को चंदर बोलेंगे, अच्छा लगेगा उनको, बस ये सोचिए कि उनको 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 देवताओं की दृष्टि से एक बार इस विषय को आप सोच के देखिए, कितना जरूरी है हमारा सही बोलना, अगर उर्दू शब्द बोल रहे तो जरूरी बोले, मैं उर्दू शब्दों का भी मैं सही प्रयोग करने का ही कोशिश करती हूँ, मुझे वो उनका एक वो ग्लटरल अ रहता है बस वो नहीं आता मुझे, खाम खाम करके वो सिखाकर वो भी बोलने का कोशिश करती हूँ, जो भी भाषा बोलो उसको सही बोलेंगे हम, इंग्लिश बोल रहे तो एकदम इंग्लिश मैन की तरह बोलेंगे, उर्दू बोलेंगे एकदम अरब से आए हैं क्या, ऐसे सर फिर जाना चाहिए ऐसे बोलेंगे, और जब संस्कृत की बारी आती है तो उसको भी उतनी ही निष्ठा से हम बोलेंगे, ठीक है, ये शुद्धि हमारे अंदर, भाव शुद्धि हमारे अंदर होनी चाहिए, ठीक है। चलिए समय अतीत हो गया, 5 मिनट ज्यादा हो गए, क्षमा, अभी क्लास क्लोज करते हैं प्रार्थना के साथ। स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महीम महिषा, गो ब्राह्मणेभ्य शुभमस्तु नित्यं, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखः भवेत्। सर्वं श्रीरामार्पणमस्तु। धन्यवाद दीदी, शुभ सायं। धन्यवाद, बहुत अच्छी क्लास। स्वस्ति प्रजाभ्याम का भी एक बार अन्वय आप कर दीजिएगा क्लास के शुरू में, उस पर मैं वीडियो बना, मही शाम का क्या होता है मतलब, ठीक जी, महीम महिषाम, महीम महिषाः, स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महीम महिषाः, परिपालयन्ता मैं करके बताऊंगी आपको, पूरा इसका वीडियो बना के आपसे शेयर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद आपका।